गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज नंदिता सिंह फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर 11 ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द चैप्टर नेम इज द क्लेवर फार्मर। इसका नेक्स्ट पार्ट आज मैं पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था एक फार्मर के बारे में जो कि पुअर था, किसी लैंड ओनर की जमीन पर काम करता था। एक दिन उसको गड़ा हुआ धन मिलता है, यानी कि गोल्ड ऑफ कॉइन्स मिलता है, पैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स मिलता है। तो वो किसी को देना नहीं चाहता, उस अपनी वाइफ को भी नहीं बताना चाहता। फिर उस अपनी वाइफ से छुपाने के लिए वो कई सारी ट्रिक्स खेलता है, उसको झूठी झूठी बातें बताता है और उस कॉइन को अपने पास सेव करके रखने की कोशिश करता है। यहाँ तक मैंने कल पढ़ाया था, लकी डे तक। इसके आगे से कंटिन्यू करूंगी। द बास्केट ऑफ द वुमेन वॉज फुल ऑफ फिश बाय नाउ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो अपनी वाइफ से कहता है कि यहाँ दिस इज आर लकी डे, आज हमारा लकी डे है, और उसको कई सारी एक बड़ी सी फिश मिलती है। द बास्केट ऑफ वुमेन वॉज फुल ऑफ फिश बाय नाउ, और उसकी जो बास्केट होती है, वुमेन जो बास्केट लेकर के आती है, उसकी बास्केट पूरी फिशेस से भर जाती है। व्हेन पीटर एंड हिज वाइफ रीच द बैंक ऑफ द रिवर ही रैन अहेड ऑफ हर, लुक बिहाइंड अ थिक बुश, सेड यस्टरडे आई लेड आउट माय नेट्स एंड आई वांट टू चेक वेदर आई हैव कॉट एनी फिश। व्हेन पीटर एंड हिज वाइफ रीच द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर यानी कि बैंक यानी कि नदी का किनारा, रिवर ऑफ बैंक ऑफ रिवर यानी नदी का किनारा, जब वो नदी के किनारे पहुंचते हैं, ही रैन अहेड ऑफ हर, उसके पीछे आगे दौड़ता है। और क्या कहता है फार्मर जो रहता है पीटर, वो अपनी वाइफ के आगे दौड़ करके जाता है और कहता है लुक बिहाइंड अ थिक बुश एंड सेट, बुश यानी कि झाड़ी। तो कहता है कि लुक बिहाइंड अ थिक बुश, अपने पीछे देखो एक बहुत ही मोटी बुश है। सेट यस्टरडे आई लेड आउट माई नेट्स, कि उसने कहा कि कल मैंने अपने नेट को यहाँ पर फैला दिया था। आई वॉन्ट टू चेक वेदर आई हैव कॉट एनी फिश, तो वो कहता है कि मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हमने एक भी फिश फंसा ली, क्या उसमें कोई भी फिश फंस गई है। अ फ्यू मिनट्स लेटर हिज वाइफ हर्ड हिम शाउट रन एंड सी वॉट आई हैव कॉट, वॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक आई हैव फिश्ड अ रैबिट। फिर वो क्या करता है कि कुछ मिनट बाद वो उसकी वाइफ सुनती है कि वो पीटर फिर चिल्ला रहा है, शाउट कर रहा है, और क्या चिल्लाता है, रन एंड सी, दौड़ करके आओ और यहाँ देखो व्हाट आई हैव कॉट, कि मुझे क्या मिला है, मैंने क्या पकड़ा है। व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक, कितना ज्यादा लक आज हमारा काम कर रहा है, हम कितने खुश नसीब हैं आज। आई हैव फिश्ड अ रैबिट, हमने एक रैबिट को पकड़ लिया है, कि मैंने एक रैबिट को पकड़ लिया है। दे वर वॉकिंग बैक होम एंड पीटर्स वाइफ केप्ट टॉकिंग एक्साइटेडली अबाउट द ग्रेट डिनर विद द डोनट्स फिश एंड रैबिट। और फिर वो घर के तरफ जाते हैं, पीटर और उसकी वाइफ बातें करते रहते हैं डिनर के बारे में, क्योंकि उनके पास डोनट्स रहता है, फिश रहता है, रैबिट रहता है। तो वो कहते हैं कि आज हम बहुत अच्छा डिनर खाएंगे। पीटर सेड टू हिज वाइफ Let's go by the wood again. We could find other donuts. He took her to spot where he had hidden the bag of gold coins. Peter अपनी wife से कहता है कि चलो अब हम wood में यानी जंगल में फिर से दोबारा चलें. We could find another donuts. क्या पता हमें दोबारा फिर से donuts मिल जाए खाने के लिए. He took her to the spot where he had hidden the bag of gold coins. फिर वो उसको अपनी वाइफ को पीटर उस जगह पर ले जाता है जहां पर उसने गोल्ड कॉइंस को छुपाया था। ही लुक्ड अराउंड एंड प्रिटेंडेड टू फाइंड समथिंग, फिर वो वहां उसके सामने बहाने बनाने लगता है, एक्ट करने लगता है जैसे कि उसको कुछ पता है नहीं और कुछ ढूंढने लगता है। लुक हियर ही कॉल्ड ही टू हिज वाइफ, देयर इज अ स्ट्रेंज बैग हियर इन द बुश एंड गुडनेस ग्रेशियस मी। फिर वो अपनी वाइफ को बुलाता है, कहता है यहाँ देखो कि एक स्ट्रेंज बैग मुझे मिला है इस बुश में, झाड़ियों में, गुडनेस ग्रेशियस मी,
ऊपर वाले ने यानी भगवान ने मुझ पर बहुत दया की है, मुझ पर दयालुता दिखाई है। इट इज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ये गोल्ड कॉइन से भरा हुआ है, जो बैग है वो गोल्ड कॉइन से भरा हुआ है। हिज वाइफ रश टू सी वॉट हर हस्बैंड हैड फाउंड, और उसकी वाइफ दौड़ते हुए जाती है देखने के लिए कि उसके हस्बैंड को क्या मिला। आई थिंक दिस फॉरेस्ट इज एंचेंटेड, वी फाउंड डोनट्स ऑन द ट्रीज। वो कहता है, पीटर कहता है कि मेरे ख्याल से ये फॉरेस्ट जो है, जो जंगल है, वो मैजिक है, मैजिकल लैंड है। एंचेंटेड यानी कि फुल ऑफ मैजिक, यानी कि वो अपनी वाइफ को बेवकूफ बनाते हुए क्या कहता है कि मेरे ख्याल से ये जो फॉरेस्ट है, ये एंचेंटेड है, मैजिकल लैंड है। वी फाउंड डोनट्स ऑन द ट्रीज, हमें यहाँ पर पेड़ों में डोनट्स मिले हैं। देन वी फाउंड फ्रेश फिश इन द ग्रास, फिर हमें ग्रास में यानी घास में फ्रेश फिशेस मिले हैं। वी इवन फिश्ड आउट अ रैबिट फ्रॉम द वाटर, और फिर उसने कहा कि हमें पानी से बाहर मछली, एक रैबिट, फिर उसने कहा कि वी इवन फिश्ड आउट अ रैबिट फ्रॉम द वाटर, और फिर उसने कहा कि हमने पानी में से एक रैबिट निकाला है। एंड नाउ लुक वी हैव फाउंड अ बैग ऑफ गोल्ड, पीटर सेड एक्साइटेडली, उसने एक्साइटेडली कहा कि और अब पहले हमें डोनट मिला, फिर फिश मिला, फिर रैबिट मिला, और अब हमें अ बैग ऑफ गोल्ड मिला, गोल्ड कॉइन्स मिला। तो आज हमारा बहुत ही लकी डे है, और ये जो लैंड है ये एंचेंटेड है, मैजिकल है। द पुअर वोमेन वॉज सो एक्साइटेड दैट हर आईज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी जो वाइफ रहती है वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है खुशी से, उसके आंख में आंसू आ जाता है, टीयर्स मीन्स आंसू। शी वॉज सो एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड यानी सरप्राइज, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। दैट शी कुड नॉट से अनदर वर्ड एंड केप्ट टचिंग द शाइनी कॉइन्स, और वो कुछ भी बोल नहीं पाती है, बट कॉइन्स को टच करती रहती है, गोल्ड कॉइन्स को। एट होम आफ्टर डिनर नीदर ऑफ द टू कुड स्लीप, और घर पर खाना खाने के बाद उन दोनों में से कोई भी सो नहीं पाता, क्योंकि पीटर को ये टेंशन रहती है कि वो गोल्ड कॉइन्स लैंड ओनर को नहीं देना चाहता, और उसकी वाइफ बहुत सरप्राइज्ड रहती है, इतना ज्यादा कुछ उसको मिल जाता है, क्योंकि वो बहुत पुअर रहती है, इतना कुछ उसको मिल जाता है कि वो एक्साइटमेंट में नहीं सो पाती। थिंकिंग ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ द डे, पीटर एंड हिज वाइफ केप्ट गेटिंग अप टू लुक एट द ट्रेजर दैट हैड हिडन इन एन ओल्ड गॉबलेट। गॉबलेट यानी कि एक ऐसा कप जिसमें हैंडल नहीं होता, देखिए यहाँ पर इसकी मीनिंग भी दी है, अ ड्रिंकिंग कप, एक ऐसा पानी पीने वाला कप जिसका माउथ नैरो होता है, सकरा होता है, और जिसमें कोई भी हैंडल नहीं होता, उसको कहते हैं गॉबलेट। तो वो गोल्ड कॉइन्स को गॉबलेट में छुपा देते हैं, और पीटर और उसकी वाइफ पूरी रात जागते हैं, सारे पूरे दिन के इवेंट्स के बारे में सोचते रहते हैं, और जो ट्रेजर यानी कि खजाना जो रहता है उनका, गोल्ड कॉइन्स, वो गॉबलेट में जो रखा रहता है उसको छिपा देते हैं, गॉबलेट में छिपा करके उस पर नजर रखते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, आई विल मीट यू टुमारो विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।